लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। सेठ साहब, बच्चू भाई को समझाए ना, एक तो महंगाई इतनी ज्यादा है, ऊपर से घर के अफराद भी बहुत है। क्या तक किया ये बताओ, या तो अफराद कम करें या महंगाई कम करें। अरे जानी बाबा, तुम चाहता है कि हम पापा जानी को जहर दे दे? हम जहर खाता ही नहीं है, डॉक्टर ने हमको मना किया था। अरे मेरा मतलब ये था कि इतना बड़ा घर फारिग पड़ा हुआ है, ऊपर कमरे खाली पड़े हुए, किराए पे चढ़ा दे, इससे पैसे भी आएंगे। अरे बाबा, अच्छे किराएदार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, घर में चोरी हो गई तो? तो हम फैमिलीज को किराए पे देंगे ना बच्चू भाई, या फिर खवातीन को। ये दूसरा वाला आइडिया कमाल है जी, खवातीन पर। कौन सा आइडिया बाबा, क्या बातें चल रही है यहाँ पे? अरे बाबा, जानी जो है ना, ऊपर वाले घर को किराए पे देना चाहता है। कोई जरूरत नहीं है, अपने होशियार अपने पास रखो जानी तुम। बैठे, इसने बहुत अच्छा मशवरा दिया ना। किराए वाला ना? नहीं नहीं, खवातीन वाला। कोई जरूरत नहीं है पापा, ऊपर का कमरा बुक हो चुका है। अरे बाबा, किसने बुक किया? अब वो अब पापा, नायला आंटी है ना, उनकी बेटियां आ रही हैं, कुछ दिन यहीं रुकेंगी। कौन है नायला आंटी? अच्छा, वो तुम्हारी माँ की फ्रेंड? अच्छा जी जी जी, वो पापा जिनके हस्बैंड साहब की लड़ाई नहीं हो गई थी, झगड़ा। किस बात पर? किसी की शादी थी ना, तो जो बस बारात को लेकर जा रही थी वो सारा फुल हो गया, तो मैंने उस बंदे को कहा कि अपनी बीवी को ना मैं बाइक पे ले जाता हूँ, बस उस पर नाराज होगा। अरे बाबा, तो फिर कौन पिटा? लिखा के मारा, फिर मैं उठाया, फिर इसको फेंका, फिर उठाया, फिर फेंका। आपने? नहीं उसने। तो आपने कुछ किया? हाँ, क्यों नहीं किया, मैं उठा उसकी गर्दन पकड़ लिया। अच्छा फिर? उसने मुझे मारा जी, मैं वलीमे तक भी नहीं गया। अरे बाबा, नाराजगी की वजह से? नहीं, तकलीफ की वजह से। अच्छा जानी सुनो, वो सहरू और मेहरू बस आती होंगी किसी भी वक्त, तो तुम ना उनको ऊपर वाला कमरा दिखा देना, और बात सुनो, तंग मत करना उन्हें बिल्कुल, अच्छा मैं जरा आ रही हूँ। अरे बाबा सीमा, तुम जा किधर रही हो? मुझे घर का कुछ सामान लेना है ना, तो बस मैं आती हूँ, ठीक है? ओके, बाय 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 बाय। बाबा जरीना, बात सुनो, अब बहुत दिन हो गए हैं, अब गाँव चलते हैं। बाबा साहब, मेरा तो भाई शहर में दिल लग गया है, मैं गाँव वाँव नहीं जा सकती। अरे बाबा, तेरी शादी भी तो करनी है ना। अरे बाबा साहब, मैं भला गोठ में शादी थोड़ी करूंगी। क्या हो गया? अरे बाबा, अरे आप बहुत अच्छे बाबा मिले गए, हमको बहुत जरूरी काम था ना आपसे। खैर तो है ना बाबा? यार मैं एक दोस्त को फोन कर रहा था, वो जो है ना गलती से खातून को मिल गया। फिर क्या? उसका शोर बदमाश है ना, तो वो लोकेशन ट्रेस करता हुआ इधर पहुंच जाएगा ना, खुदा के वास्ते आपको कहीं छुपा लेना का जी। अरे बाबा, कहाँ छुपाए तुम्हें अब? सेठ साहब, मैं ऐसा करती हूँ कि जमीन में खजा करती हूँ, आप खड्डे में चले जाओ। हाँ, कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे खड्डा मार्केट गए हो तुम। इल्ले, कुछ और सोचने का। अरे आइडिया, ऐसा करते हैं कि हम आपको सर्द खाने में छुपा देते हैं। वहाँ तो मुर्दे को रखते ना जी। अच्छा है ना, वो आपको मुर्दा समझकर चला जाएगा। मुर्दा खाने वाला पैसे लेंगे ना जी। ठीक है भला, फिर एक काम करते हैं कि आपको समंदर में डुबा देते हैं। अरे नहीं बाबा, समंदर तो बाहर फेंक देता है ना। किसको? जिंदा को? नहीं नहीं, मुर्दा को। तुम बाप बेटी मेरे को मारना क्यों चाहते जी? अरे नहीं सेठ साहब, हम तो आपको भला छुपाना चाहते हैं। मैं घर में ही कहीं छुप जाता हूँ जी। लेकिन आप घर में मरोगे नहीं ना बाबा। क्या मतलब है तुम लोग का? सेठ साहब, बाबा साईं का मतलब है कि वो लोग आपको घर में ढूंढ लेंगे। फिर मैं क्या करेगा जी? बाबा तुम परेशान न हो अशमत भाई, मैं देख लूंगा ना उन लोगों को। क्या करेगा जी? करेंगे तो वो भाई, मैं क्या करूंगा, मैं तो देख लूंगा बस। सेठ साहब, बाबा साहब, मेरे को बहुत भूख लग रही, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा ये सीमा मैडम की वो जो कजन आने वाली थी, कहाँ रह गई? अरे बाबा, तुम्हें बड़ा इंतजार है, सब खैर तो है? अरे वो तुम्हें, असल में नौकर हो ना, तो जरा घर की सफाई, कमरा वमरा तैयार करना, खाना तैयार करना, ये बोला। एक्सक्यूज मी, मैं मेहर हूँ। और मैं सहर हूँ। सीमा है घर पे? नहीं जी, मैडम तो बाहर गई हुई है। लेकिन बाबा, हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? बताया तो है, मैं मेहर हूँ। अरे बाबा, मैं हक मेहर हूँ जी।
नहीं, इनका मतलब ये है कि ये सीमा के शौहर है बच्चू और मैं हूँ जानी। So cute, such a good name, जानी। वैसे आप सीमा के भाई हैं? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ नौकर हूँ। वैसे अजीब बात नहीं है, जो शौहर है वो नौकर लग रहा है और जो नौकर है वो शौहर लग रहा है। अरे बाबा, ये किसको कह रही है? मुझको कह रही है। क्या नौकर? नहीं नहीं, शौहर। अरे बाबा, ये आप दोनों क्या बकवास कर रही है? अब सीमा ने आपको बताया नहीं हमारे बारे में? बिल्कुल बता के गई थी। क्या आप दोनों मॉडल्स हैं? जी। अरे बाबा, 80 की या 90 की? एक्सक्यूज मी, हम मोटरसाइकिल के मॉडल्स नहीं हैं, कमर्शियल मॉडल्स हैं, ओके? जी, और हमारे शोज होते हैं और हम रैंप पे कैटवॉक करती हैं। एक बात की मुझे समझ में नहीं आई, ये जो कैट होती है इसकी चार टांगे होती हैं, तो ये फिर वॉक करती है। लड़कियों की दो टांगे होती है, ये कैसे कैटवॉक कर लेती है? देखिए बस कीजिए, हम लोग बहुत थक गए। हमारा कमरा कहाँ है? हाँ बाबा, हमारे कमरे के अंदर है। जी नहीं नहीं, इनका मतलब ये ऊपर ऊपर आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? कौन है भाई तब? बिल्ला, बिल्ला नाम है मेरा। अरे फिर तो तुम्हारे पीछे तो कुत्ते लग गए होंगे। क्या कहा? इतना गुस्से में क्यों है? बात क्या है ये बताने का? अश्मत नाम तेरा है? हाँ मेरा नाम है, बदलना नाम मेरा। मैं इस इलाके का बदमाश हूँ। चल बदमाश। ओए, मैं वाकई में बदमाश हूँ। अरे बाबा, तो फिर हम क्या करें? मुझे उस औरत के शोर ने भेजा है जिसको तूने फोन किया था। बहुत शिकायतें आ रही है तेरी। सही बात है, हमको बहुत शिकायत है, गैस की शिकायत है, कमर में दर्द है मेरे, हाजमा ठीक नहीं है, बहुत ही शिकायत है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, एक मिनट में बंदा गायब कर देता हूँ मैं। अरे बाबा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो मददारी भी कर देता है। ओए, मैं बंदे की हड्डी पसली एक कर देता हूँ। तो क्या हुआ? और वो तो कसाई भी कर देता है, है? क्या बात करता है यार? तू बहुत बोल रहा है, तू है कौन इसका? हम दोनों भाई है। तुम दोनों में से बड़ा कौन है? हम दोनों जुड़वा जुड़वा। तुम लोगों की शक्लें तो नहीं मिलती? हम लोग जब पैदा हुए ना तो एक दूसरे से नाराज था ना जी। बकवास बंद कर, जिसको तूने फोन करके छेड़ा है ना वो मेरी बहन है। अच्छा, वो आपकी बहन है? नहीं, तेरी बहन है। नहीं, मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। क्यों? अब वो मेरे पैदा होने के बाद बाबा मेरा बाप फौत हो गया था ना। तुम्हारे बहन का नाम क्या? बिल्ली है। तो माँ का नाम? केटी। बाप का नाम तो केटवा होगा ना। बताओ क्या तुझे अभी? अरे बाबा रहने दो, छोड़ो बाबा, हटो इधर से हटो, आईदा ये कुछ नहीं करेगा, किसी को फोन नहीं करेगा, समझा ले इसको। अच्छा। अरे मेरू सेरू, पहुंच गई तुम लोग? आराम से आई ना? हाँ हम लोग तो ठीक है, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ तुम लोगों का शो कब है? कल है ना, तुम भी चलना। मैं नहीं यार, मैं नहीं चल पाऊंगी, असल में मेरे तो घर में हर वक्त शो चलते रहते हैं। शो घर में? वो कैसे? बाजे, बाजे, आपके आगे मेहमान। ये कौन है? मैं कह रही थी ना शो। अरे बाबा क्या बोल रही हो, मैं धरीना हूँ, अदा की बहन और बाजाई की नंद। लेकिन ये आप बोलती कैसे हैं? अरे बाबा ये तो हम लोगों का सखावती स्टाइल है, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आप दोनों मॉडलिंग करती हैं? जी, आपको कोई मसला है? नहीं नहीं बाबा, मुझे भी मॉडलिंग करनी है। आप रैंप पे चलेंगी? अरे बाबा चलना क्या, मैं तो भाग भी सकती हूँ। अरे बाबा जरीना, इस तरह तो रैंप टूट जाएगा। हाँ आपकी फिटनेस थोड़ी ज्यादा है ना। अरे बाबा कोई बात नहीं, मैं खाना कम कर दूंगी, ऐसा करूंगी कि 5 रोटियों के बजाय 4 रोटियां खा लूंगी। 5 रोटियां? आप 5 रोटियां खाती हैं? हाँ बाबा, 2 प्लेट चावल के बाद ही तो खाती हूँ। जरीना इन लोगों को ना आराम कर लेने दो, आओ तुम मेरे साथ आओ। नहीं भाजाई, मैं मॉडलिंग करके ही जाऊंगी यहाँ से, भला बताओ मेरे को क्या करना है। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, यहाँ से ना वहाँ तक आप कैटवॉक करके दिखाएं, चल कर दिखाएं। ठीक है बाबा, क्यों नहीं। ठीक है, नहीं नहीं यहाँ से वहाँ बाहर तक। हाँ जरीना, वो उस कोने तक जाना। अच्छा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं मैं आपसे। जी पूछें। आपकी शादी हो गई? नहीं। मेरी भी नहीं हुई। तो इसमें आपकी सुस्ती है, मेरी क्या गलती है? तो कब करेंगी शादी आप? देखिए मेरी शादी में अभी टाइम है। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी फैसला कर लें, क्योंकि मट्टी वाली हवा चली ना तो ये भी नहीं रहेगा।
क्या मतलब है आपका? मतलब चेतक, अरे बाबा जानी। हाँ जी जी। अरे अरे आप कौन है, कैसी है, कहाँ से आई है आप? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं शानी। शानी, आपका पूछा है मैंने, आपके बेटे का नहीं। अपना ही बताया है मैंने, क्या शानी नहीं लगता मैं? नहीं शानी तो नहीं लगते, अलबत्ता निशानी लगते हैं आप। किसकी निशानी? अपने अम्मी अब्बू की। वैसे आप हैं कौन? मैं मेहर हूँ। मैं कहर हूँ जी। अरे इनका मतलब है कि ये बच्चों के अब्बा हैं। कितने बच्चों के अब्बा है? अरे बाबा एक ही बच्चे का अब्बा हूँ, सीमा का शोर बच्चू वो मेरा बेटा है। है? अरे साईं वो आपका बेटा है। हाँ लेकिन हमसे ज्यादा छोटा नहीं है, हमारे बराबर का है। वो कैसे? बाबा जिस दिन उसकी सालगिरह होती है उस दिन मैं अब्बा बना था। बाबा साईं ये क्या आपने हिसाब किया? बीच में मत बोल, नौकर है तू, नौकर बन के रह। साईं एक बात है, आप मेरे सालन में से ना बोटी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाबा ये घर मेरे बेटे का, इसलिए बोटी पे हक पहले हमारा है। लेकिन दाना तो पहले मैंने डाला है ना। क्यूज नी, कौन सा हक कौन सा दाना, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए? अरे बाबा पागल हो गए तभी तो हम लड़ रहे हैं। मैं सीमा को बुलाती हूँ। अरे बाबा सीमा को क्यों बुलाती हो? वो काजी को बुलाओ, वो फाइनल करो। सीमा, अरे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। हेलो ए मिस्टर, कौन है तुम? मैं लड़का। लड़का? इतनी बड़ी उम्र का लड़का? आप कौन है जी? मैं शहर हूँ। और आप? मैं शाम और आप शहर। आप सोचे अगर हम दोनों मिल जाए तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लोग कहेंगे खामोश हो जाओ, दोनों वक्त मिल रहे हैं। नाइस, आपको पता है आप बातें ना बहुत अच्छी करते हैं। अरे पापा जानी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। बहुत फनी है ये, कौन है कौन ये? अरे पापा ये मेरे ससुर हैं, सीमा के पापा जानी। ओह वाओ, तो आप सीमा के पापा हैं? हाँ वो तो ठीक है, सीमा का बाप है, लेकिन बहुत ही कम उम्र में मेरा शादी हो गया था ना जी। अरे हाँ पापा जानी जो है ना वो दसवीं का पेपर देने जा रहे थे, गलती से शादी हाल में घुस गए, उनका दूल्हा भाग चुका था, उन्होंने पकड़ के इनसे शादी कर दी। इले इले ये मजाक कर रहा है, बड़ा शरारती है जी। आप लोग अगर माइंड ना करें तो आप लोग यहाँ से जाएं, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है। तुम जाओ भाई, मैं एक्सरसाइज कराएगा इसको। क्यों पापा जानी, आप क्या जुबैदा आप आए क्या? नो, थैंक यू सो मच, मैं खुद कर लूंगी। अरे नहीं पापा मैं कराता हूँ, ऐसे आपको चोट लग सकती है। नहीं नहीं पहले मैं आया था, मैं करवाएगा इसके साइज। अरे पापा जानी मेरी बीवी की दोस्त है, इसलिए मेरा हक ज्यादा बनता है। तुम बच्चे है, तुमको क्या पता एक्सरसाइज क्या होता है ना जी? अरे पापा जानी मुझे पता है, वो मैं रोज जाता हूँ ना, वो क्या कहते हैं, हाँ पापा जिम उधर। हमने तो अपना खुद जिम खोला है जी। अरे पापा जानी मैं आपसे ज्यादा ज़हीन हूँ। लेकिन मेरा तजुर्बा ज्यादा जी। ओफो, क्या मुसीबत है, मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज। एक काम करें आप तो नहीं कर लीजिएगा। अरे जानी भला क्या पका रहे हो, बहुत तो खुशबू आ रही है। खबरदार जो इन चीजों को हाथ लगाया, मेहमानों के लिए बन रहा है। हाँ मैं देख रही हूँ, तुम मेहमानों पे ना कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो। वो है ही इसी काबिल, मैं क्या करूँ? भला मुझ में क्या कमी है? आयोडीन की। क्या? मेरा मतलब है आप मुझे गलत समझ रही हैं। सब समझ रही हूँ मैं, तुम ना मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे जब से वो मेहमान आए। जानी जानी क्या हो गया, कितनी देर हो गई, खाना तैयार हुआ कि नहीं? वो सब भूखी बैठी है वहाँ पे। बाबा भूखी बैठी है ना, मरी तो नहीं है ना? देखो पहले मैं आई हूँ, मुझे ज्यादा भूख लग रही है, पहले मुझे खाना दो। तुम्हें भूख कम लगती कब है? और तुम तो कह रही थी तुम डाइटिंग करोगी। आज से नहीं बाबा, कल से कर लूंगी। इस तरह तो कभी भी कमजोर नहीं होंगी आप। तो भला फिर कैसे कमजोर हूँ? तुम्हें काम करो, किसी से पैसे उधार ले लो। ठीक है, बात ऐसे करो कि मुझे 50,000 रुपए उधार दे दो। नहीं भाई मैंने थोड़ी कमजोर होना है। एक काम करो सेठ अशमत से ले लो, लोगों से बड़ा पैसा उन्होंने गबन किया हुआ, दे भी देंगे वो। अरे आता अंकल हशमत ने तो वैसे भी अपना सब कुछ माटन चौकरियों को दे दिया है। तुम्हें कैसे पता? अरे बाबा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, काफी देर से छोकरियों के पीछे लगे हुए, कभी इधर कभी उधर। पागल हो गए हो क्या? मेरे पापा ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है तो भला फिर कैसे हैं? वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा हैं। मेरे पापा क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे बाबा भी उन मॉडल के दीवाने हुए हैं। जानी
क्या हो रहा है? आप खुद ही जाके देख ले। सबको तो मैं अभी सही करती हूँ, बल्कि इनके बाबा साईं को मैं सही करती हूँ। तुम्हारे बाबा को भी देखती हूँ मैं भी सही करती हूँ। वो भी छोकरियों के पीछे घूमे जा रहा है, सारा खर्चा छोकरियों पे कर देगा। वाह वाह वाह। अरे बाबा खैर तो है ना भैरव, तुम परेशान लग रही हो बाबा, क्या बात है? और तुम कुछ हैरान भी लग रहे जी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो बाबा अब क्या सोचा आपने शादी के बारे में? किसकी शादी? अरे बाबा हमारी और तुम्हारी शादी और किसकी? मेरी और आपकी शादी? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि ये वो लड़कियां हैं ये टिकटॉक में आती हैं। जी नहीं, हम टिकटॉक नहीं बनाते। बस एक बात बताएं, आप मर्दों के साथ मसला क्या है? सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं ना। वो कैसे? भाई हम जो मर्द है ना, जब अपनी बीवी के साथ गुजरते हैं तो मर्दों को घूरते हैं, और जब हम अकेले निकलते हैं तो औरतों को घूरते हैं। अरे बाबा तो फिर आपकी तरफ से हाँ है ना? तौबा करें, आपकी उम्र ही कितनी रह गई है? ओ बाबा मेरी उम्र बहुत लंबी है। वो डॉक्टर कहता है जो सुबह को जल्दी जल्दी उठती है ना उनकी लंबी उम्र हो जाती है। बकवास करता है डॉक्टर। मुर्गा जो है सुबह सुबह अजान देता है, सुबह सुबह उठता है, रात में उसका कढ़ाई बनाया होता है कढ़ाई। क्या आप दोनों को किसी ने बताया कि आप दोनों बहुत ज्यादा बातें करते हैं? जब बात नहीं करेगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगा जी? क्या करे बाबा, जवान खून है ना तो खोलता बहुत है ना। जवान खून? सीरियसली जवान खून किसने कहा? मौलादार तुम हर बात मेरी वाली से क्यों करते जी? अरे बाबा तुम फिर मेरी वाली से क्यों पूछते रहते हो? वो तो ट्राई तो मानना पड़ेगा ना। देखो सर इसकी बात में नहीं आने का, ये जो है ना चीटर है चीटर। मैं देखो मैं भी बता रहा हूँ तुमको कि इसकी बातों में मत आना, ये बड़ा खतरनाक बंदा है, खतरनाक। क्या हो गया आप दोनों को, कैसी बातें कर रहे हैं? तेरी वाली मेरी वाली कैसी चीप बातें करते हैं आप लोग? अरे बाबा बहर में सच बोलता हूँ, अरे तेरे को जब से मैंने देखा है मैं तो अंदर से बीमार हो गया हूँ। मेरे से जब से तुम्हारे जान पहचान हुई मैं तो खत्म हो गया। अरे बाबा हमारे दरमियान जितनी भी दीवारें हैं मैं सब गिरा दूंगा ना, और तुम्हारे खातिर मैं ना पहाड़ तोड़ देगा सारा पहाड़। बस करें, क्या हो गया आपको अंकल? आप मेरे बाप जैसे हैं और आप मेरे ताया जैसे हैं। अरे बाबा फिर इस रिश्ते से तो हम दोनों भाई भाई हो गए। यानी एक हमारा बेटी है एक हमारा भतीजी। और क्या? हम नहीं खेलता जब। सॉरी अंकल। सॉरी अंकल। अरे जब अंकल। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। अरे बाबा सीमा तुमने ये क्या मुसीबत बुला ली है बाबा, ऊपर से अपने पापा जानी को देखो ऐसे पीछे पड़े उन लड़कियों के जैसे बिल्ली चूजे के पीछे पड़ती है। अच्छा मेरे पापा नजर आ रहे हैं हाँ, और खुद के पापा साईं को नहीं देखा कैसे वो शहद की मक्खियों की तरह चिपके हुए उन दोनों से? सीमा तमीज से बात करो बाबा, मेरे पापा जानी जो है ना मक्खी नहीं मक्खा है। तो फिर मेरे पापा भी बिल्ली नहीं बिल्ला है। ये पापा जानी इसका मतलब है कि हम दोनों जानवर की औलादे हैं, करेंगे तो जानवर ही कहलाएंगे। अरे तो सीमा कुछ करो ना बाबा, रोको उन दोनों को। अरे उनको कोई नहीं समझा सकता, दोनों पागल हो गए। अरे बाबा तुम्हें कैसे पता? महर और सहर बता रही थी। एक बात बताओ जानी, ये महर और सहर हर बात तुमसे क्यों कर देते? भरोसा है ना, भरोसा है मुझ पे। वैसे जानी बाबा भरोसा बना कैसे? टेक्निक है एक, अगर लड़कियों को घास ना डाले ना तो मरती है आप पे। ये ठीक है बाबा, ठीक है सीमा आज से मैं तुम्हें भी घास नहीं डालूंगा। नहीं डालनी तो ना डालो, कोई शौक नहीं है मुझे, वैसे भी घास नहीं पसंद। आया बड़ा घास नहीं डालूंगा। अरे बाबा जानी कैसा मशवरा दिया बाबा, नाराज हो गई है। मुझे भाई एक बात तो सुने, मुझे वो मॉडल है ना बहुत पसंद है। तो बाबा मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूँ मैं अब अपना घर ही बसा लूं। अच्छी बात है बाबा, अच्छी बात। थैंक यू। तो बस फिर आप बात करें ना। किससे? मेहर से। अरे बाबा उससे तो मैं शादी करना चाहूँ। तो फिर सैर से कर ले। अरे बाबा वो मुझसे शादी करना चाह रही है। तो उसमें मैं कहूँ? अरे बाबा तुम किचन में है चाय बना रहा है और मैं इस डाइनिंग टेबल पे अपनी तीनों बीवियों के साथ बैठ के प्लानिंग बना रहा हूँ। किस चीज का? शादी की। सीमा मैडम। सीमा मैम। जी बोले, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? यस प्लीज जल्दी बात करें, हमें अपनी रिहर्सल करनी है। मैं ये कह रहा था कि आपकी जान को इस घर में खतरा है। वो कैसे? मुझे डर है कहीं ये मुझे जान से ना मार दें। ओ, लेकिन इसमें हमारी जान को कैसे खतरा हुआ? क्यों, मैं आप लोगों की जान नहीं हूँ क्या? एक्सक्यूज मी, क्या कहा? मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके ना आप इस घर से चली जाएं, कहीं दो ग्रुपों में आपस में तसादुम ना हो जाए। कौन सा ग्रुप?
एक गांव ग्रुप दूसरा शहर ग्रुप। ओहो, मेरी समझ नहीं आता किस तरह के लोग हैं ये। बस इसी तरह के लोग हैं ये। जाने जी जी, क्या भला इनको पट्टियां पढ़ा रहे हो? चमक पट्टी। वो भला क्या होती है? रक्षो में नहीं देखी पीछे चमक रही होती है? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मैं कोई अलीबाग से नहीं आई हूँ। ये अलीबाग कहाँ है? इनके गाँव के पीछे। अच्छा बात सुनो, ये माडलो, ये जानी से ना थोड़ा दूर रहो, ये हमारा नौकर है। अच्छा, तो हमने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ? अच्छा, तभी भला तुम इसको अपने पीछे पीछे घुमा रही हो? तो ये बात तुम इससे पूछो ना। अरे बाबा, ये मेरा मंगेतर है, खबरदार इससे अगर तुम लोगों ने कोई बात की तो। हैं? मंगेतर, पागल हो गई हो क्या? ए मिस्टर, जब तुम्हारी मंगनी इसके साथ हो चुकी है तो हम दोनों के साथ फ्री होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरे ये झूठ बोल रही है। चुप हो जाओ, मंगेतर झूठ नहीं बोलती। महक, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे तो सभी झूठे हैं। Let's go. चोई, इतना गुस्सा? पापा, आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ ये सब करते हुए? कोई देख ले तो क्या? क्या कहता वो? हम कोशिश करेगा जी। क्या? कि कोई ना देखे हमको। पापा! अरे बाबा जानी, आपको भी ख्याल नहीं आया कि आपका एक जवान बेटा भी है? अरे बाबा ठीक है ना, बस आइंदा मैं कोशिश करूंगा ना। किस चीज की बाबा? अरे बाबा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा एक और छोटा भाई हो जाए ना। बाबा साईं, अदा आपको पता है ये जानी बिना उनके पीछे लगा हुआ था। मैं तो बस खिदमत कर रहा था उन लोगों की। बस बहुत खिदमत कर रहा था, बस पैर दबाना बाकी रह गए थे। कितनी शर्म की बात है, चली गई ना नाराज होके वो दोनों। ये सब मौलादात की वजह से हुआ, लड़की देखा नहीं और फ्री हो गया। और बाबा तुम कौन सा उसको हिसाब किताब समझा रहा था? तुम जो लैला मजनू वाली बातें कर रहा था ना उसके साथ। वैसे एक बात है, आप दोनों की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई मोहल्ले में। बाबा तेरी इतनी बेइज्जती क्यों हुई है? मैं क्योंकि इस घर में मैं कुंवारा हूँ ना, और कुंवारे अपनी बेइज्जती बहुत महसूस करते हैं। अरे बाबा, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, अब आइंदा किसी लड़के के पीछे मैं नहीं दौड़ूंगा। हाँ, मैं अभी कोशिश करेगा कि मैं लड़कियों के पीछे ना जाए। जी वादा? वादा। अच्छा ठीक है, अब उन दोनों से फोन करके मुझे माफी भी मांगनी पड़ेगी। चाची माँ, एक काम करना, मेरी तरफ से भी माफी मांग ही लेना। क्यों? हल्की पुल्की इन्होंने भी ट्राई की थी। बच्चू बात सुनिएगा, वो बाहर दो लड़कियां खड़ी हैं, घर में से किसी को बुला रही हैं। कौन लड़कियां भाई? सहर और मेहर, नाम बताया। अबे मेरी वाली। अरे दोनों मेरी वाली। बाबा साईं, तो कब जा रहे हैं वापस? अरे बाबा वो तो मुमकिन ही नहीं। क्यों नहीं, किसी ने रोका क्या? अरे बाबा और किसने, तुम्हारी मैडम ने। भला कैसी लगी तस्वीरें? अच्छी थी, इसीलिए तो सीधा अंदर आ गया। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद आ गई। जी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही भाई, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? 4G 5G का दौर है जी, स्पीड है हर तरफ। मैंने भी स्पीड दिखा दी तो क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी कैसे ये सब कुछ हो सकता है, समझ ही नहीं आ रही। मैडम, आप किराएदार का इंटरव्यू कर रही हैं मॉर्निंग शो, क्यों उनके पर्सनल मामले में घुस रही हैं? अब की बार आऊंगा ना जल्दी, पैसे ले आऊंगा। बेगम के पर्स में पड़े। अरे बाबा तो निकालो ना बेगम के पर्स से बाहर। बहुत मजाक करते हैं आपके भाई। ओ बाबा, हम इसका भाई नहीं है। ओ मान जाओ, चलो। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जोनो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा। बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा